हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इस सुपारी में श्री गणेश भगवान का ध्यान करते हुए अपने मन में उनके नामों का जाप करते हुए उनका अभिषेक करो। गणपति आदि और अंत के स्वामी हैं, ये विघ्न विनाशक हैं, इसलिए इनसे मन में यही प्रार्थना करो कि आपका ये महान पुण्य व्रत आदि से अंत तक निर्विघ्न रीति से संपन्न हो। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। इस सुपारी में श्री गणेश भगवान का ध्यान करते हुए अपने मन में उनके नामों का जाप करते हुए उनका अभिषेक करो। गणपति आदि और अंत के स्वामी हैं, ये विघ्न विनाशक हैं, इसलिए इनसे मन में यही प्रार्थना करो कि आपका ये महान पुण्य व्रत आदि से अंत तक निर्विघ्न रीति से संपन्न हो। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। अब खड़ी होकर पारिजात वृक्ष से अपने यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगिए। हे कल्पतरु नंदन, वृक्षराज, दिव्य पारिजात, देवी सत्यभामा, आपकी छाया में उस पुण्यक व्रत का यज्ञ और अनुष्ठान करना चाहती हैं, जिसकी पूर्ति से नारी को अपने जीवन के अंतिम सांस तक अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए आप प्रसन्न होकर इन्हें अपनी छाया में यज्ञ करने की आज्ञा दें और इन्हें इनकी मनोकामना की सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। वृक्षराज ने आपकी प्रार्थना स्वीकार करके आपको यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा दे दी और आपको सफलता का आशीर्वाद भी दिया है। अब आप यज्ञ का संकल्प कीजिए। देवी, इस यज्ञ के विधान के अनुसार संकल्प करते समय कुछ दान भी करना पड़ता है। दान? हाँ दान। कहिए, क्या दान कर दूं और कितना दान कर दूं? कितना दान करने की बात नहीं है देवी, दान का महत्व या दान का मोल मात्रा से नहीं तोला जाता, भावना से तोला जाता है। अर्थात? नारायण नारायण। अर्थात यह कि यह मृत्यु लोक वास्तव में कर्म लोक है। यह कर्म करने से इस प्रकार यज्ञ और व्रत आदि धार्मिक कर्मों का फल अवश्य मिलता है, सिद्धियां भी मिलती हैं, परंतु यहाँ बिना मोल के मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हर फल की, हर सिद्धि की कीमत किसी न किसी दूसरे रूप में देनी ही पड़ती है। सो जब मानव कोई व्रत अथवा अनुष्ठान के द्वारा अपने भाग्य से अधिक पाना चाहता है तो उसे किसी दूसरी शक्ल में उसके बराबर की कीमत देनी पड़ती है,
दान देने का यही भाव है। तो बोलिए, अपनी कामना सिद्धि के लिए मुझे कितनी कीमत देनी होगी? कितना सोना, कितने रत्न, आभूषण, जो चाहिए जितना चाहिए, मैं उतना दान करने के लिए तैयार हूँ। पुण्य व्रत की सिद्धि के लिए दान देने का ऐसा विधान है कि जो वस्तु आपको सबसे अधिक प्रिय हो उसी का दान करना पड़ता है। सो आप ये बताइए कि इस संसार में क्या आपको हीरे मोती, आभूषण, सोना यही सबसे अधिक प्यारे हैं? नहीं। तो फिर आपको इस संसार में सबसे अधिक प्यारा क्या है? मेरे लिए संसार में सबसे अधिक प्यारा केवल एक ही है। कौन? कौन? मेरे पति द्वारकाधीश। नारायण नारायण। तो बस तय हो गया देवी? हाँ? आपको मुझे द्वारकाधीश ही दान करने पड़ेंगे। क्या? लीजिए, दान का संकल्प कीजिए। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इसीलिए तो ये व्रत कर रही हूँ कि मुझे मेरे पति का सबसे अधिक प्रेम मिले, और मैं उन्हीं को दान कर दूंगी तो मैं उनका प्रेम कैसे पाऊंगी? ये आपके दान की कैसी रीति है? यह दान की रीति नहीं है देवी, यह मृत्युलोक की रीति है। जो मानव जितना अधिक पाने की चेष्टा करता है उसे उससे अधिक देना पड़ता है, यही कर्मलोक का विधान है। क्या उनके बदले में किसी और वस्तु का दान नहीं कर सकती? क्या कोई और उपाय नहीं? एक उपाय है। वो क्या? देखिए, दान तो आपको आपकी सर्वप्रिय वस्तु का ही करना पड़ेगा, किंतु हाँ, ब्राह्मण को दान की हुई वस्तु फिर से उससे खरीदी भी जा सकती है। अर्थात? अर्थात यह कि ब्राह्मण उस चीज की जो कीमत मांगे वो कीमत उसे देकर उससे चीज वापस खरीद लीजिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है? नारायण, ये तो व्यापार की बात है देवी। अगर ब्राह्मण मान जाए तो उसे कीमत दो, अपनी चीज ले लो। तब तो ठीक है। यदि स्वीकार है तो जल्दी से दान का संकल्प कीजिए। अनुष्ठान के मुहूर्त की शुभ घड़ी निकली जा रही है देवी, ये लीजिए जल। अब कहिए, अपने सार्थक व्रत की सिद्धि के लिए मैं कृष्ण पत्नी सत्यभामा, मैं कृष्ण पत्नी सत्यभामा अपने पुरोहित ब्रह्मा पुत्र नारद को, अपने पुरोहित ब्रह्मा पुत्र नारद को अपने पति का दान करती हूँ, अपने पति का दान करती हूँ। अब ये जल द्वारकाधीश पर छिड़क दीजिए। नारायण नारायण। द्वारकाधीश, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमारे लिए कुछ काम करो। आज्ञा करें स्वामी। हाँ, स्वामी। हाँ, हमें भूख लगी है, अंदर जाकर हमारे कलेवे का कुछ प्रबंध कीजिए। देखिए, चटनी हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अपने हाथों से हमारे लिए स्वादिष्ट चटनी बनाइए। जो आज्ञा स्वामी। चलिए स्वामी। ये क्या देवर्षि, मैंने दान किया है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप द्वारकाधीश को ही लेके चले जाएं? अब आप ही समझाइए देवी सत्यभामा को कि दान का अर्थ क्या होता है। दान का अर्थ तो वही होता है मुनिवर, जैसा आप कहते हैं। अब आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करना मेरा धर्म है। अगर दान का अर्थ यही है तो मुझे नहीं करना ये दानवान। दान नहीं करोगी तो आपका पुण्य व्रत कैसे सफल होगा? नारायण नारायण। सभी रानियों में सबसे अधिक प्रेम आपको फिर कैसे मिलेगा देवी? मुझे नहीं करना ऐसे पुण्य व्रत का अनुष्ठान देवर्षि, जिससे मेरा पति ही छिन जाए। मुझे नहीं चाहिए सब रानियों से अधिक प्रेम, मुझे मेरा पति लौटा दो, मुझे मेरा पति लौटा दो। मुझसे भूल हो गई देवर्षि, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो देवर्षि, मुझे क्षमा कर दो।